बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो है 13 वीक स्टार्ट हो गया, और आज जो हम 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे, और चैप्टर का नेम और टॉपिक्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन से आज हमने जो है वो डिस्कस करने हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में। तो मूव करते हैं हम आज के जो है चैप्टर के ऊपर, देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है। जस्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको चैप्टर 13, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जैसे लास्ट वीक हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, हमारे जो स्टोरेज जो था उसको हमने डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हमने पढ़े थे कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो हमारे कंप्यूटर पड़े होते हैं उनको हमने किस तरह से एक्सेस करना होता है, तो उसमें हमने कुछ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसका मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर पड़े होंगे, और हमने जो है उसकी स्टोरेज और उसकी जो फाइल्स होंगी वो हमने एक्सेस करनी होगी। तो ये बेसिकली है। तो आज देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेक्चर नंबर 1, नेमिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, पहला जो टॉपिक है हमारा। सेकेंड नंबर पर रिमोट फाइल एक्सेस। तो ये दो टॉपिक हमने जो है डिस्कस करने हैं आज। तो मूव करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता क्या है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ए डिस्ट्रीब्यूटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लासिकल टाइम शेयरिंग मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम वेयर मल्टीपल यूज़र शेयर फाइल्स एंड स्टोरेज रिसोर्सेज। कि यहाँ पर यानी एक से ज़्यादा यूज़र जो होंगे वो हमारे जो सिस्टम है जो हमने यानी एक नेटवर्क बनाया होगा उसमें जो स्टोरेज है यानी उसकी हार्ड डिस्क है या उसके अंदर जो फाइल्स स्टोर हैं उनको जो है वो शेयर करेंगे। तो ये DFS के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DFS मैनेज सेट डिस्पर्स्ड स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज डिवाइस इसको भी मैनेज करता है। ओवरऑल स्टोरेज स्पेस मैनेज, जितने भी स्टोरेज होगी उसको भी मैनेज कर रहा होगा। DFS कंपोज डिफरेंट रिमोटली लोकेटेड स्मॉल स्टोरेज स्पेस, के हमारे जो कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशन पर पड़े होंगे उनको जो है ये एक्सेस करेगा। देयर इज़ यूजली अ क्रॉसपर्डेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टोरेज स्पेस एंड सेट्स ऑफ फाइल। चैलेंजेस इसमें क्या हैं, देखें जी, नेमिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, रिमोट फाइल एक्सेस। तो ये दो चैलेंजेस हैं, इसको हम जो है डिस्कस, हमारे टॉपिक्स भी आज के यही हैं, ये हमने जो है डिस्कस करने हैं। वेल मूव करते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं जी। जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको DF स्ट्रक्चर। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सर्विस, सॉफ्टवेयर एंटिटी रनिंग ऑन वन आर मोर मशीन एंड प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन ऑन प्रायोरी अननोन क्लाइंट्स। यानी आप इसमें एक से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का जो एक नेटवर्क बना हुआ होगा उस पर एक तो सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हैं, और जो वहाँ पर जो फाइल्स हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है, हेड कंप्यूटर, जो दूसरे तमाम कंप्यूटर्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस, सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन सिंगल मशीन। क्लाइंट्स, प्रोसेस दैट कैन इन्वोक सर्विस यूजिंग सेट ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म इन क्लाइंट इंटरफेस। तो सर्वर के अलावा बाकी जो तमाम जितने भी कंप्यूटर्स होंगे यानी वो जो उस नेटवर्क को या उस जो है स्ट्रक्चर को शेयर कर रहे होंगे या एक्सेस कर रहे होंगे उनको क्या है, क्लाइंट्स का नाम दिया गया है। ए क्लाइंट इंटरफेस फॉर फाइल सर्विस इज़ फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन क्रिएट, डिलीट एंड रीड राइट। यानी यहाँ पर जो क्लाइंट के पास जो मतलब कि अथॉरिटी दी गई है या सर्विसेज दी गई हैं, क्रिएट की है, डिलीट की है, रीड की है और राइट की है, तो ये चार फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है। क्लाइंट इंटरफेस DFS शुड बी ट्रांसपेरेंट, आई नॉट डिस्टिंग्स बिटवीन लोकल एंड रिमोट फाइल। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो स्टोरेज होगी जिसको एक्सेस कर रहे होंगे क्लाइंट्स वो यानी हाइड होंगी यानी हिडन होंगी, वो उसमें यानी जो सर्वर के अंदर जो स्टोरेज है वहाँ उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें जी, सम टाइम लोअर लेवल इंटर मशीन इंटरफेस नीड फॉर क्रॉस में मशीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा यानी उनके दरमियान उसके बारे में बताया गया है। नेमिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, अब नेमिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं। नेमिंग, मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल ऑब्जेक्ट होंगे उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या है, नेमिंग का नाम दे रहे हैं। मल्टी लेवल मैपिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए फाइल दैट हाइड द डिटेल हाउ वेयर ऑन डिस्क द फाइल इज एक्चुअली स्टोर। तो यानी यहाँ पर जो मल्टी लेवल मैपिंग है उसमें ये तमाम चीज़ें यानी हाइड रखी जाएंगी कि फाइल कहाँ पर स्टोर है और कौन से कंप्यूटर में है, ये यानी जो है ये ट्रांसपेरेंट रखा जाता है।
ए ट्रांसपेरेंट डी एफ हाइड लोकेशन वेयर इन द नेटवर्क फाइल इज स्टोर, यानी जो नेटवर्क है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या है हाइड कर देगा ट्रांसपेरेंट। फॉर फाइल बींग रेप्लीकेटेड इन सर्वर साइड द मैपिंग रिटर्न द सेट ऑफ लोकेशन ऑफ दिस फाइल रेप्लीकेट। तो यानी यहाँ पर डी एफ एस का जो बेसिकली जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो डिफरेंट लोकेशन पर जो कंप्यूटर पड़े होंगे उनको उनका जो है डाटा एक्सेस किया जाएगा डिफरेंट रिमोट लोकेशन के ऊपर बैठ कर। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है नेमिंग स्ट्रक्चर। नेमिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली देखते हैं यहाँ पर मूव करते हैं लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी का मकसद क्या है फाइल नेम डज नॉट रिवील द फाइल फिजिकल स्टोरेज लोकेशन, कि हमारी जो फाइल है फिजिकली कहाँ पर स्टोरेज है मतलब स्टोर की गई है उस लोकेशन को रिवील नहीं किया जाएगा उस लोकेशन का पता नहीं चलेगा ये लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है। लोकेशन इंडिपेंडेंस फाइल नेम डज नॉट नीड टू बी चेंज व्हेन द फाइल फिजिकल स्टोरेज लोकेशन चेंज, कि जब भी हमारी फिजिकल लोकेशन जहाँ पर फाइल स्टोर है उसको चेंज किया जाएगा तो वहाँ पर यानी उसका जो नेम है वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो ये दो यानी नेमिंग स्ट्रक्चर हैं लोकेशन ट्रांसपेरेंसी रखी गई है और लोकेशन इंडिपेंडेंस। नेमिंग स्कीम थ्री मेन अप्रोचेज, उसमें तीन अप्रोचेज हैं देखते हैं कौन कौन सी। फाइल नेम्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ देयर होस्ट नेम एंड लोकल नेम गारंटी यूनिक सिस्टम वाइड नेम पहले जो है उसमें। सेकेंड में अटैच रिमोट डायरेक्शन टू लोकल डायरेक्टरी गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द कोहेरेंट डायरेक्टरी, तो यानी जो जितनी भी फाइल्स होंगी वो एक दूसरे के साथ जो है इनहेरिट की जाएंगी। थर्ड पे टोटल इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट फाइल सिस्टम, कि जितनी भी मतलब फाइल्स होंगी उन तमाम के ऊपर इंटीग्रेशन लगाई जाएगी। सिंगल ग्लोबल नेम स्ट्रक्चर स्पैन ऑल फाइल इन द सिस्टम इफ अ सर्वर इज अनअवेलेबल सम एट्रिब्यूटरी सेट डायरेक्टरी ऑन डिफरेंट मशीन आल्सो बिकम अनअवेलेबल। तो ये कुछ यानी यहाँ पर अप्रोचेज हैं तीन अप्रोचेज बताई गई हैं नेमिंग स्कीम के बारे में। इन प्रैक्टिस मोर डी एफ एस यूज स्टैटिक लोकेशन ट्रांसपेरेंट मैपिंग फॉर यूजर लेवल नेम सम सपोर्ट फाइल माइग्रेशन उसके हैडोप सपोर्ट फाइल माइग्रेशन बट विदाउट पोसिक्स स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे उन स्टैंडर्ड्स के बगैर जो है हमारी फाइल्स ना मूव होंगी ना चेंज होंगी। तो ये यहाँ पर यानी बताया गया। रिमोट फाइल एक्सेस रिमोट सर्विस मैकेनिज्म इज वन ट्रांसफर अप्रोच रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाई रिटर्निंग रिसेंटली एक्सेस डिस्क ब्लॉक इन कैशे सो दैट रिपीटेड एक्सेस टू सेम इंफॉर्मेशन कैन बी हैंडल लोकली, यानी एक से ज़्यादा एक्सेस जब किए जाएंगे तो उसको हैंडल किया जाएगा। इफ़ नीडेड डाटा नॉट ऑलरेडी कैशेड कॉपी डाटा इज ब्रॉट फ्रॉम सर्वर टू द यूजर, डाटा लाया जाएगा सर्वर से कंप्यूटर की तरफ। एक्सेस परफॉर्म ऑन द कैशे कॉपी फाइल आइडेंटिफाई विद वन मास्टर कॉपी। कैशे कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम कीपिंग द कैशे कॉपी कंसिस्टेंट विद मास्टर फाइल, यानी मास्टर फाइल के साथ उसका लिंक होगा तो वही फाइल को एक्सेस किया जा सकेगा रिमोट फाइल जो है हमारे पास। कैशे लोकेशन डिस्क वर्सेस मैन मेमोरी, उसके बाद एडवांटेज ऑफ डिस्क कैशे मोर रिलायबल है कैशे डाटा कैप्ट ऑन डिस्क स्टिल देयर ड्यूरिंग रिकवरी एंड डोंट नीड टू बी फेच्ड अगेन। एडवांटेज ऑफ मेन मेमोरी कैशे परमिट वर्क स्टेशन टू बी डिसलाइक डाटा कैन बी एक्सेस मोर क्विकली परफॉर्मेंस स्पीड अप इन बिगर मेमोरी सर्वर कैश यूज टू स्पीड अप डिस्क इनपुट आउटपुट आर इन मेन मेमोरी रिगार्डलेस वेयर यूजर कैश लोकेटेड यूजिंग मेन मेमोरी कैश ऑन द यूजर मशीन परमिट अ सिंगल कैशिंग मशीन फॉर सर्वर एंड यूजर। तो ये यहाँ पर यानी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताए गए हैं मेन मेमोरी के और कैश के, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें कैशे अपडेट पॉलिसी, कैशे को किस तरह से अपडेट किया जाएगा। राइट थ्रू राइट डाटा थ्रू डिस्क सून एज दे आर प्लेस्ड ऑन एन कैशे रिलायबल बट पुअर परफॉर्मेंस डिलेड राइट राइट बैक यानी उसको दोबारा से राइट कैसे किया जाएगा। मॉडिफिकेशन रिटर्न ऑन द कैशे एंड देन रिटर्न थ्रू द सर्वर लेटर, यानी पहले कैशे के ऊपर राइट किया जाएगा फिर सर्वर के ऊपर उसको राइट किया जाएगा। रिटर्न एक्सेस कम्प्लीट क्विकली सम डाटा मे बी ओवर रिटर्न बिफोर दे आर रिटर्न बैक टू नीड नेवर रिटर्न एट ऑल पुअर रिलायबिलिटी वेरिएशन राइट ऑन क्लोज बेस्ट फाइल आर ओपन लॉन्ग पीरियड फ्रिक्वेंटली मॉडिफाइड, तो यानी जो बेस्ट फाइल जो ज़्यादा ओपन की जाएंगी वो ही मॉडिफाइड होंगी बाकी जो फाइल ज़्यादा मतलब ओपन नहीं होंगी उनको मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। कंसिस्टेंसी देखें इज लोकली कैश्ड कॉपी ऑफ डाटा कंसिस्टेंट विद द मास्टर कॉपी,
Client initiated approach, client initiate validity check, server check whether local data consistent with master copy. Server check करेगा कि ये original जो हमारा master copy है उसके साथ भी rely कर रहा है या नहीं कर रहा. Server initiated approach, server में क्या होगा कि server record for each client part of cache when server detect potential inconsistency must react. तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर वन है वो यहाँ पर दी एंड हो गया. तो इसमें बताया क्या गया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में. उसमें हमने नेमिंग देखा, स्ट्रक्चर देखा, ट्रांसपेरेंसी देखी कि हमारे जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी हमारे जो स्टोरेज हैं रिमोटली जो है, जो मतलब दूसरी जगह पर हैं, उनको किस तरह से हमने एक्सेस करना है. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में फाइल्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है. तो फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.